आगरा डॉकी विकास खंड शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत डॉकी के ग्राम नगला इंद्र और अमान को जाने वाले मुख्य रास्ते पर जल भराव और अवैध अतिक्रमण होने की वजह से स्कूली बच्चे और ग्रामीणों को निकालना दुश्वार हो गया है। इस जल भराव से स्कूल जाने वाले वाहन, बस व साइकिल, बच्चे, ग्रामीण परेशान है। लोगों को निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इसी रास्ते से होकर दर्जनों गाँव के लोग भी जाते हैं, उन्हें भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उच्च अधिकारी गांव में आते ही नहीं है, लेकिन समस्या का निराकरण करने में किसी की रुचि नहीं है। गांव वाले कई बार इसकी शिकायत ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार, प्रधान डॉकी, हेमलता पत्नी चंद्रशेखर से लेकर उच्च अधिकारियों तक कर चुके हैं। ग्राम पंचायत डॉकी से जाने वाले जयनगर रोड पर मुख्य रास्ते पर जल भराव की समस्या काफी समय से है। एक तरफ गहरी नाली खुदी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाली का पानी ओवरफ्लो होकर रास्ते में भरा रहता है, जिससे रास्ता काफी खराब हो गया है। इस सड़क से कई गांव के लोगों को परेशानी हो रही। अन्य गांव के लोग भी इस रास्ते का प्रयोग अपने गांव तक पहुंचने के लिए करते हैं। ग्रामीणों को गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। हर मौसम में यहाँ पर जल भराव का नजारा देखने को मिलता है। बारिश के दिनों में तो दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ता है, घुटनों तक पानी भरा रहता है। मजबूरी में स्कूली बच्चे व गांव वालों को निकलना ही पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हो सका। किसी ने भी सुनवाई नहीं की। उदासीनता के चलते गांव वाले परेशान हो रहे हैं। गांव के नरेश महादेव, इंटर कॉलेज टिकटपुरा, गजेंद्र सिंह तोमर, पुरुषोत्तम अशोक, रविंद्र बघेल प्राइमरी स्कूल नगला, अमान के प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह आदि ने बताया कि समस्या को लेकर अब जिलाधिकारी से शिकायत करेंगे। समस्या निराकरण के लिए ना अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि। आखिर कब तक उपेक्षा की जाती रहेगी? प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट।